नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ शिवानी शुक्ला। आइए देखते हैं इस वक्त की अमेठी की सबसे बड़ी खबर। जगदीशपुर सहकारी ग्राम विकास बैंक अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ संपन्न। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीती 1 सितंबर को सहकारी भूमि विकास बैंक जगदीशपुर के अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव में 4008 मतदाताओं में से 591 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जीते हुए कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी अधिवक्ता गुरु प्रसाद तिवारी को 306 मत मिले। वहीं राजेश श्रीवास्तव जो कि भाजपा समर्थित थे उनको 268 मत मिले। 17 मत इनवैलिड हुए। 38 मतों से गुरु प्रसाद तिवारी ने जीत हासिल की। बात करने पर विजेता गुरु प्रसाद तिवारी ने बताया कि वो लगातार 25 वर्षों से निर्विरोध अध्यक्ष पद का चुनाव जीतते आ रहे थे, लेकिन पहली बार उनके सामने भाजपा ने अपना प्रत्याशी उतारा था। उसको भी 38 वोटों से हराकर मैंने अपनी जीत हासिल की। मध्यांचल ब्यूरो राम प्रसाद शुक्ला के साथ अमेठी से ओम प्रकाश सिंह की रिपोर्ट। आज आप कौन सा पद जीते हैं? ये उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक उत्तर प्रदेश के लिए। आप पिछले 25 सालों से निर्विरोध चुनाव जीत रहे थे, इस बार आपके सामने प्रत्याशी खड़े हुए हैं, उन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाया है कि आप धांधली से इस बार भी चुनाव जीत गए हैं, तो आप हमें ये बताएं कि आप कितने वोटों से चुनाव जीते हैं और विपक्ष के आरोपों पर आप क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष का आरोप तो बिल्कुल निराधार है, पूरी धांधली चुनाव होती नहीं, जिस पर चुनाव हुआ है जी। जहाँ तक उनके आरोप लगाने का सवाल है, विपक्ष कई काम होता है लगाते रहेंगे। धांधली कहीं होती थी, चुनाव हो रहा था, चुनाव अधिकारी समझते प्रार्थना पत्र दिए, उनके दूराधार पर जाते कोई भी प्रार्थना पत्र नहीं दिया, किसी प्रकार धांधली नहीं है। चुनाव हो गया, चुनाव संपन्न हो गया, उस पर उन्हें हस्ताक्षर किया, निष्पक्ष चुनाव किया गया। अब उनके कार्यकर्ता उनके कोई अधिकारी अधिकारी उसको कहते हो कि गलत चुनाव हुआ है, धांधली हुई है जी, ये अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए ही बात है। आप कितने मत मिले हैं आपको? हमको 306 मत मिले। आपके प्रत्याशी कितने मतों से आए? 268 और 17 वोट मिल रहे हैं ठीक।